व्हाइट सॉस पास्ता, सो टेस्टी सो यमी। तो चलो झटपट बनाते हैं हम सुपर यमी पास्ता। इसके लिए मैंने एक मिट्टी का बर्तन लिया है। 1 कप पास्ता के लिए 1 लीटर पानी में उबालने के लिए गैस पे रख रही हूँ। जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो 1 कप पास्ता मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा नमक भी इसमें ही डाल रही हूँ ताकि पास्ता थोड़ा सॉल्टी हो जाए, ये चिपक ना जाए। इसके कारण इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ और थोड़ी देर ढक्कन ढक के उसको थोड़ा कुक होने देती हूँ। बीच बीच में इसको मिक्स करना पड़ेगा ताकि ये नीचे से जल ना जाए या चिपक ना जाए। थोड़ी देर के बाद मीन्स 8 to 10 मिनट्स में ये देखना पड़ेगा कि हमारा पास्ता कुक हो गया है कि नहीं। उसको कट करेंगे, इजीली कट हो जाएगा तो हमारा पास्ता रेडी है। अगर ये थोड़ा ओवर कुक हो गया है तो इसको ठंडा पानी डाल के तुरंत ही बाहर निकाल लें। देखो हमारा पास्ता कुक हो गया है तो उसको ड्रेन करके एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसको भी एक साइड पे रख के एक पैन में 2 चम्मच तेल गरम करने रख देते हैं। इसमें हम 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट, थोड़ा वाइट ही रहे ऐसे, ब्राउन नहीं होने देना है, ऐसे इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। और इसमें 2 चम्मच जितना ग्रीन मटर डाल देते हैं, ये भी थोड़ा फ्राई हो जाए। इसके बाद हम इसमें इतनी ही क्वांटिटी का ग्रीन कैप्सिकम और इसके बाद येलो और रेड बेल पेपर इसमें डाल के थोड़ी देर इसको कुक होने देते हैं और टेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे। ये पार्शियल कुक ही करेंगे। अगर आप नए हैं और मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, अगर आपको ये चैनल पसंद है, आपको अगर इसके बाद का वीडियो देखना है तो आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो हमारा वेजिटेबल कुक होके रेडी है। अब हम पास्ता के लिए व्हाइट सॉस बनाएंगे। इसके लिए मैं 2 चम्मच बटर इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा मेल्ट हो जाए इसके बाद 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच गेहूं का आटा, आप चाहो तो 2 चम्मच मैदा यूज़ कर सकते हो। बटर में थोड़ा ये फ्राई हो जाए इसके बाद थोड़ा थोड़ा रूम टेम्परेचर वाला दूध इसमें हम डालते जाएंगे और ये आटे में लम्स न हो जाए इसी तरीके से इसको 1/2 लीटर दूध हम मिक्स कर लेंगे। जब ये गाढ़ा हो जाए तब इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, फिर इसमें ब्लैक पेपर, चिली पाउडर या चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो या और कोई हर्ब्स आपकी टेस्ट का आप इसमें मिक्स कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा ग्रेवी पसंद है तो थोड़ा पानी या दूध और डाल सकते हो। इसके बाद हम इसमें हमारा जो हाफ कुक्ड वेजिटेबल्स है वो डाल देंगे और पास्ता भी अभी इसमें हम मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर इसको मिक्स करके गरम करने के बाद उसको ढक के रख देते हैं ताकि वो एकदम इसकी फ्लेवर सभी में अच्छी तरीके से आ जाए। देखो ये हमारा पास्ता रेडी है। ऊपर हम थोड़ा चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डाल के सर्व कर सकते हैं। ये टेस्ट में लाजवाब है, बेहद स्वादिष्ट है। आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगा। वेरी इजी टू कुक हेल्दी होममेड व्हाइट सॉस पास्ता। थैंक यू, जस्ट ट्राई।